खबर शिवपुरी के जिला चिकित्सालय से है। हम आपको बता दें कि बड़ोदी में रहने वाली ज्योति धाकड़ ने अपने पति और ससुरालियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। ज्योति ने बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और दहेज में 10 लाख दिए थे, लेकिन अब बुलेरो की मांग कर रहे हैं। इसके चलते आए दिन मेरे साथ मारपीट करते रहते हैं और मेरे मायके वालों को भी मारते हैं। ज्योति ने कहा कि मेरे ससुर भी मुझसे गाली गलौज करते हैं, पति केवल सास ससुर की बात मानते हैं। ज्योति ने बताया कि ससुरालियों ने मेरे और मायके वालों की मारपीट की, घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं ज्योति का पति भी जसवंत जिला चिकित्सालय पहुंच गया, जहां उसने बताया कि उसकी पत्नी आए दिन धमकी देती और छत पर चढ़ जाती और मरने की धमकी देती। जसवंत ने बताया कि उसका उसके ग्राम खरई में ही नहीं बल्कि बारही समाज के लड़के से चक्कर है, इसीलिए उसके साथ वह ऐसा व्यवहार करती है। क्या नाम है? ससुराल कहाँ पर? बरौदी है, गोबरा के रहने वाले हैं। मोलम पटार के आग लगा तो मुँह घर के मारे हैं, मैं पूरी रकम छुड़का लाई और 10 लाख तो दे रहे हैं और आप बिलोरो गाड़ी मांग रहे हैं और मैं फोन छुड़का रहा, मैं फोन छो राख लाओ गुलाम से मैं भैया बन्ना मार रहे हैं और मैं फोन को उतर सका और मैं सो सर मुँह से गाय देते और सास देते उम्मीद शुक्रवती और जसवंत गोविंद बाती गिरजा और मनीषा पप्पू और रैनी सगाई। शादी कितने से साल हो गए? 1 साल हो गए शादी को। क्या कहता है पति? तुझे मारूंगा, मैं नहीं रखना चाहता, तू मेरी पसंद की नहीं है। तो पसंद की नहीं है तो क्या वो किसी और से मतलब पहले से बात करता है क्या है? बात करता होगा, मुझे मालूम नहीं। नहीं ऐसा उसने आपसे कहा? बाम मैयू की बातन में है, बाम मैयू की बातन में बहन की बातन में आना के मुँह मारता है। तो शादी आपकी कैसी हुई थी? लव मैरिज हुई थी? कैसे हुई? नहीं लव मैरिज नहीं हुई थी। तो कैसे हुई? कैसे रही? तो जब उसकी माता पिता ने देखा हुआ ना आपको? हाँ देखा था। तो रब क्या देखे था? मुझे खुद देख भी आए थे खुद ने पसंद करी और अब जो कहते हैं कि मेरी पसंद की नहीं है और मैं भैया मार दूँ तो मुँह लंप डाल के आला तो मुँह परेशान करते हैं ना, मुँह रूट सब्जी कछु नहीं कर दे ना, मुँह सब्जी दे रहे हैं ना कछु दे रहे हैं, मुँह कर भी खावे कछु सामान नहीं दे रहे हैं, मैं सब सामान डाल ला मैं पूरी रकम। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति कुछ नहीं करते, खेती करते हैं। कहाँ पे? बरौदी में? बरौदी में गोबरा के रहने वाली है जसवंत धाकड़। जसवंत धाकड़। क्या हुआ है सर? मेरी वाइफ परेशान कर दी है, कभी छत पे कर चढ़ जाती है, कभी मैं मरूंगी इसलिए मेरे ससुर आ गए, उन ससुर ने आके सर मेरी पिटाई की, हमको मेरे में लट दिया, इसलिए हमें आपस में बवाल हुआ। सर उसको कोई दूसरा पसंद है सर, कोई लम्बे बिना उसकी शादी की थी उसके घर वाले। उसका कहना है कि आप उसको पसंद नहीं करते थे? हाँ उसको दूसरा पसंद है सर। कोई उसकी माँ, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है सर, और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी माँ की भी रिकॉर्डिंग है, उसकी माँ बोलती तेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ लूँगी मैं। हाँ सर अभी 10 महीने हुए। मैं सर पता नहीं है, कोई वहीं का है, कोई सर वो समाज का है, कोई कराई का ही है एक लड़का सर, उसका नाम है सर कोई वो है सर कोई बराई के बराई कोई बराई जो जादू थी ना वो समाज का है सर। तो आपको जानकारी कैसे लगी? सर मेरे को जानकारी गांव से लगी, गांव के लड़कों से। आपने आरोप है कि आपने उसका मोबाइल वगैरह फोड़ दिया था? नो सर मैंने नहीं फोड़ा, उसने खुद को मानसिक स्थिति से थोड़ी वैसी है, कभी गुस्से में घर पर भी अपने पिताजी की तरफ उंगली करके बात करना, कभी अपने भाई से लड़ना, जब लेडी टाइप की है वो सर। आज क्या हुआ? आज सर वो उसका उसने खुद मोबाइल फोड़ दिया, अपने घर वालों को फोन लगा दिया कि मुझे आ जाओ ले जाओ, उसके घर वाले आए बात करने लगे। हाँ सर मैंने सुबह भी कोतवाली में फोन लगाया था कि ये हमको मारने आ रहे हैं, आप हमारी सहायता करो। आपको इस बात की कैसे पता था कि मारने आ रहे हैं? सर हमको पता है, 2-4 बार पहले भी आ चुके हैं सर। पहले भी आए? हाँ सर। इसकी रिपोर्ट की थी आपने? पहले नहीं की थी सर, रिश्तेदारों ने राजीनामा करवा दिया। इस बार आपको कैसे कंफर्म था कि मारपीट कर रहे हैं? सर पहले भी कंफर्म था, पहले तो चलो इस बार मेरे से कह के आए, मेरे पे रिकॉर्डिंग उस चीज़ की, मेरे से कहकर आए तू रुक जा फार्म पे मिलना, तू मैं फार्म हाउस पे रहता हूँ वही मिलना हमारे। किसने बोला था? मेरे ससुर ने बोला था।